हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन ओसी का 7 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स पढ़ा दिया था। 2 पार्ट्स कौन से पढ़ाए थे देखते हैं अपन। देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा था, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि 8 से 10 मार्क का वेटेज वाला चैप्टर्स है। यस, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स ऑफ प्रोटेक्शन पढ़ा था। सेकेंड पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था राइट्स ऑफ कस्टमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स क्या था और वे एंड मीन्स ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन क्या थे। ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने इसके पढ़ा लिया है। जिन बच्चों डायरेक्ट थर्ड पार्ट देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले मेरा कौन सा पार्ट देखे, आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या करें देखे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया है, वहां से आप क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। नॉट ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, एवरी पार्ट मतलब एवरी चैप्टर्स के सब पार्ट वहां पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। आज अपना जो पार्ट होगा, जो आखिरी पार्ट होगा, जो कस्टमर प्रोटेक्शन एक 2019 होगा, एंड रोल ऑफ कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ का क्या रोल है कस्टमर प्रोटेक्शन के अंदर, वो अपन पढ़ने वाले हैं। यस, चलो शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पढ़ाने से पहले मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, डिफरेंस बिटवीन पढ़ा दूंगा कि भाई क्या है, क्योंकि जो अगर मैं डिफरेंस बिटवीन समझा दूंगा तो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए थियरी पोर्शन जो होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बेस पे क्या है, वो चीजें क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज अपन फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंपॉर्टेंस भी है, पूछ भी सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। चलो शुरू करते हैं वन बाय वन कि क्या होता है, मीनिंग ही क्लियर करता है। देखो पहला मीनिंग क्या लिखा है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉन एज ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्या बोला है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो रहा है, एस्टेब्लिश हुआ है और किसने क्रिएट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको कौन सा फोरम बोलेगे, उसको कौन सा कोर्ट बोलेगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फोरम बोलेगे। आई होप तुम लोग को क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमीशन एस्टैब्लिश होती है वो फोरम को कौन सा एस्टैब्लिशमेंट बोलेगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेगे, बट उसको क्रिएट कौन करता है, स्टेट कमीशन। क्लियर रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अरे डिस्ट्रिक्ट ऐसा अपना दो ही स्टेट होता है या तो, अरे दो ही वो असेंबलिटी होती है, या तो स्टेट या तो फिर नेशनल, तो इसको कौन क्रिएट करता है, स्टेट क्रिएट करता है। स्टेट कमीशन अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ स्टेट लेवल एस्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे भी एस्टैब्लिश कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अपने पास दो ही असेंबली है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दो ही गवर्नमेंट है, तीसरी गवर्नमेंट आपने कभी सुना भी नहीं है। तो स्टेट कमीशन को भी कौन क्रिएट करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, उसको बोलते हैं स्टेट कमीशन बोलते हैं। होप क्लियर है, एग्जाम में इसका 1 मार्क्स पूछते हैं, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे गड़बड़ खाते हैं। यहाँ तो उन लोगों को मालूम है कि स्टेट कमीशन को स्टेट ही क्रिएट करता है, नेशनल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करता है, बट डिस्ट्रिक्ट को भी कौन क्रिएट करता है, स्टेट ही क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, चलो इसका मीनिंग देखते हैं, नेशनल का क्या मीनिंग है। नेशनल कमीशन अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ नेशनल लेवल एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज नॉन एज अ नेशनल कमीशन। आई होप तुम लोग को तीनों का मीनिंग क्या है क्लियर है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुलेगा उसको बोलेगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे खुलेगा उसको बोलेगे स्टेट कमीशन, और नेशनल लेवल पे खुलेगा उसको बोलेगे नेशनल कमीशन। अब इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, वन बाय वन देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर अ पर्सन हु इज सिटिंग, या तो बैठा है या तो रिटायर हो गया है, और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ही, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट पे बैठा है, या तो फिर रिटायर हो गया है, या तो फिर वो क्वालिफाई हो पोजीशन के लिए, वो ही प्रेसिडेंट बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। यस, यहां पे पढ़ते हैं अ पर्सन हु इज अ सिटिंग और रिटायर और जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन। या तो कोई ऐसा बंदा है, या तो क्वालिफाइड है किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए, या तो वो हाई कोर्ट में बैठा है, या तो रिटायर्ड हो गया हाई कोर्ट के जज से, वो भी क्या कर बन सकता है स्टेट कमीशन का, क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। सामने देखते हैं नेशनल कमीशन,
अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज अ नेशनल कमीशन. या तो वो बंदा रिटायर हो गया है या तो वो बंदा जज है सुप्रीम कोर्ट. रिटायर नहीं है यहाँ पे, खाली यहाँ पे क्या लिखा है, हु इज अ पर्सन हैज बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो रिटायर हो गया है या तो वो बेटा है. वो बंदा क्वालिफाई करेगा किसकी पोजिशन के लिए, अपना सेंट्रल कमीशन के लिए, नेशनल कमीशन के लिए वो क्या करेगा, क्वालिफाई होगा एज अ प्रेसिडेंट. मतलब ये तीनों की चीज में क्या बोला है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए तुम लोग के पास क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, वो क्राइटेरिया इन लोग ने क्या किया यहाँ पे मेंशन किया है. थर्ड है मेंबर. अभी इन लोग का मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यस तो ही मेंबर बनेगा, अदरवाइज तो बनोगे नहीं. देखो क्या मेंबर है क्वालिफिकेशन के लिए, नॉट लेस देन टू एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन अ कंसल्टेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब मिनिमम कितने हो गए, दो, और सच हायर अमाउंट एज मे बी डिस्क्राइब बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 10 लोग होने चाहिए तो 10 होने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती है दो, सॉरी एक. क्यों, यहाँ पे मिनिमम कितना लिखा है, नॉट लेस देन टू, मतलब मिनिमम तो दो तो हो गए, दो से ज्यादा हो सकता है, यस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इधर नॉट लेस देन फोर और सच और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन अ कंसल्टेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे मिनिमम कितने हैं, फोर मेंबर होने चाहिए. देखो एक प्रेसिडेंट होगा, चार कौन हो गए, मेंबर हो गए. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा, दो कौन हो गए, मेंबर हो गए. और यहाँ पे नॉट लेस देन फोर और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो यहाँ पे भी सेम ही है, सेम लाइक स्टेट कमीशन जैसा. आई होप तुम लोग को क्लियर है कि कौन कितने मेंबर होते हैं, दो, चार, चार. प्रेसिडेंट के लिए भी क्या क्वालिफिकेशन दिया है, ऊपर लिखा था. यस, फोर्थ पॉइंट बोलता है मेंबरशिप टेन्योर, मतलब कितने साल तक का मेंबर रहेगा ये कमीशन के अंदर, अगर जो बंदे को अपन ने अपॉइंट किया है उसको. देखते क्या लिखा है, द मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर. सर ये क्या बोला नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल देता हूं तुम लोग को समझ में आ जाएगा. देखो एक मिस्टर एक्स है, कौन है, मिस्टर एक्स है. उसको सपोज की फॉर एग्जाम्पल उसको आज अपॉइंट किया था, आज उसकी एज थी फॉर एग्जाम्पल 58 ईयर. कितनी थी, 58 ईयर थी उसको अपॉइंट किया था, और 5 साल विच एवर इज अर्लियर. एक क्राइटेरिया दिया है, जो कंडीशंस दिए मैंने यहाँ पे मिस्टर एक्स के फॉर्मूला में बिठाया है. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स की एज कितनी होती है आफ्टर 5 ईयर, 58 के बाद 59, 60, 61, 62, 63. 63 पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना पोजीशन क्या पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, द मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और एज अ एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर. ये दोनों सिचुएशन में सबसे पहला जो भी पोजीशन आ जाएगी उस पर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. देखो यहाँ पे उसकी एज भले 65 नहीं हुई है तो भी उसको उसकी पोजीशन छोड़नी पड़ी. क्यों, क्योंकि उसका 5 ईयर का टर्म क्या हो गया, जल्दी खत्म हो गया था. यस और नो, देखो सेकंड एग्जाम्पल लेते हो तुम लोग को अभी भी क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ वापस से. मिस्टर एक्स है, अगर उसकी एज 62 ईयर होती, जब भी उसको अपॉइंट किया था तभी उसकी एज कौन सी है, 62 और 5 ईयर, ये कंडीशंस दिया है, तो उसको कौन सी ईयर में पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, 65 ईयर. 62 के बाद 63, 64, 65. इवन तो उसका भले 3 साल ही हुआ है तो भी उसकी पोजीशन उसको छोड़नी पड़ेगी मेंबरशिप में से, क्योंकि उसकी एज क्या हो जाती है, 65. 62 प्लस 3 साल 65 हो जाती है, तो उसको अपनी पोजीशन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा एज अ मेंबर. गेटिंग माय पॉइंट, आई होप दोनों पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिए है, मतलब दो एग्जांपल लिए, आई होप तुम लोग के क्लियर पॉइंट को क्या क्लियर है, क्लियर है. वापस इंग्लिश में जो लिखा है पढ़ता हूँ, अ मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 साल तक रहेगा, या तो और लिखा है, या तो अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर. जो भी पोजीशन उसकी जल्दी आ जाती है वो पोजीशन पे उसको क्या करना है, जो भी सिचुएशन जल्दी आ जाती है वो सिचुएशन में उसको क्या करना है, छोड़ना है. यहाँ पे क्या लिखा है, ये एग्जाम्पल का बेस पकड़ना समझ में आ जाएगा, इधर भी क्या बोलना चाहता हूँ मैं. द मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप ऑफ फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल इन लोग ने कॉमन लिखा है,
बट अप टू द एज ऑफ 67 ईयर। यहाँ पे 65 था, यहाँ पे एज लिमिट क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है 67 ईयर, विच एवर इज अर्ली ईयर। समझ में आया? आई होप तुम लोग को अभी वापस से मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो भी समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता था। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे क्या लिखा है, द मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और एज अप टू द 67 ईयर एंड प्रेसिडेंट की भी यहाँ पे लिमिट कर दिया इन लोग ने अप टू द 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में खाली मेंबर्स की इन लोग ने क्या दिया है, एज लिमिट दिया है और ईयर दिया है 5 साल, बट नेशनल कमीशन के अंदर उनका मेंबर का भी दिया है लिमिट प्लस प्रेसिडेंट का भी दिया है कि प्रेसिडेंट भी कितने साल तक रह सकता है। मतलब मेंबर यहाँ पे 5 साल तक रहेगा या तो उसकी एज 67 ईयर है, जो भी जल्दी आ जाता है तभी उसको छोड़ देना है जो पोजिशन, बट प्रेसिडेंट के लिए 5 साल तो है और 70 ईयर। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप तुम लोग को क्लियर होगा मेरा मीनिंग। यस, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एरिया कवर। क्या एरिया कवर होता है? इट कवर द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुला है तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, कवर करेगा एरिया। यहाँ पे स्टेट कवर करेगा, यहाँ पे पूरी कंट्री कवर होगी। 6 पॉइंट बोलता है मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन। व्हाट यू मीन बाय मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन? मतलब कितने तक का केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, टू एंटरटेन अ कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीडिंग द 1 करोड़। अगर सपोज कि कोई कस्टमर ने कंप्लेंट फाइल किया और उसकी गुड्स की वैल्यू या तो फिर कंसिडरेशन की वैल्यू 50 लाख है, तो किधर आएगा? उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ तक की अंदर है। इसलिए अगर सपोज कि अगर कोई कस्टमर है उसकी वैल्यू, गुड्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1.5 करोड़ होती, तो किधर जाएगा? इधर, टू एंटरटेन अ कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज पेड अ कंसिडरेशन एक्सीडिंग 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीडिंग द 10 करोड़। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट कितना दिया है, 10 करोड़। और अगर कस्टमर का कोई ऐसा कंसिडरेशन है या तो ऐसा कोई गुड्स की वैल्यू है जो 15 करोड़ है, तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, क्योंकि मोर देन 10 करोड़ का क्या पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। टू एंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन एक्सीडिंग द 10 करोड़। रिपीट करोगे, कितना कंसिडरेशन की वैल्यू कहाँ पे कवर होगी? अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के है और अगर मेरा वैल्यू 1 करोड़ से कम है कंसिडरेशन वैल्यू, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पहले तेरे को जाना है। अगर मोर देन 1 करोड़ टू 10 करोड़ है तो स्टेट कमीशन के पास जाएगा। अगर मोर देन किसके पास है, मोर देन 10 करोड़ है, तो तू किसके पास जाएगा, नेशनल कमीशन के पास जाएगा। और लास्ट है अपील। अगर तू डिस्ट्रिक्ट अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन। मतलब ये सर क्या बोला, अगर सपोज कि कोई जजमेंट आया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के फेवर में नहीं आया, मिस्टर एक्स इज अ कस्टमर, तो कंज्यूमर के फेवर में मिस्टर एक्स बोलता है मैं सेटिस्फाई नहीं हुई जजमेंट से, तो वो किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन। मिस्टर एक्स स्टेट के पास भी गया, उसके फेवर में, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल उसके फेवर में आना चाहिए था केस, पर उसके फेवर में नहीं आया, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो किसके पास जाएगा, वो नेशनल कमीशन के पास। अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। और नेशनल कमीशन के पास गया और उधर भी फाइनल जजमेंट आया कि भाई तेरे फेवर में केस नहीं होगा, अगर तू सेटिस्फाई हो या ना हो, अल्टीमेट किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। वो बंदा अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाता है कि और उसके फेवर में केस नहीं आता, तो दीज आर द फाइनल जजमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का अपने इंडिया में क्या होता है, फाइनल जजमेंट होता है। जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। उसके बाद मिस्टर एक्स कहाँ पे भी जाएगा नहीं, उसको जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर सपोज कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास गया, उसके फेवर में केस नहीं आया, तो किसके पास जाओगा, स्टेट के पास। स्टेट के पास भी गया, उसमें भी फेवर नहीं दिया, तो किसके पास जाओगा, नेशनल के पास। नेशनल के पास भी गया, उससे फेवर में नहीं दिया, तो वो अल्टीमेट किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद अगर उसके फेवर में केस नहीं आता, तो दीज आर द फाइनल जजमेंट ऑफ इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल
कमीशन। चलो स्टार्ट करते हैं कस्टम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो बच्चे लोग, ये चालू करने से पहले तुम लोगों को जस्ट मैंने डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया, वही चीज थियोरेटिकल यहाँ पे पढ़ना है। वहां पे आपको बाइफर्केशन करके दिया था, डिस्टिंग्विश फॉरवर्ड में दिया था, यहाँ पे उन लोग ने थियरी पोर्शन के अंदर दिया। चलो शुरू करते हैं अपन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 9th अगस्त 2019। एग्जाम के अंदर याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछ सकते कभी कभी। इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन अ सच डेट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट्स एंड डिफरेंस डेट मे बी अपॉइंटेड फॉर अ डिफरेंट स्टेट एंड फॉर अ डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रेफरेंस इन एनी सच प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल बी कंस्ट्रक्टेड एज रिफर्स टू द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दैट प्रोविजन। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियल पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986। ये ऑलरेडी डेट पहले भी आ चुकी है, पहले 1986 में जब एक्ट आया था तभी कौन सी डेट को आया था, 24 दिसंबर 1986। इन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज प्रपोज अ न्यू एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जैसे एसपी के अंदर अपन पहले कैसा था, कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको नया चेंज करके उन्होंने नाम क्या कर दिया, चेंज कंपनीज एक्ट 2013। तो सेम लाइक इनका भी यही नाम चेंज हुआ है, पहले कंज्यूमर एक्ट 1986 था, अभी उसका क्या हो गया, कंज्यूमर एक्ट 2019 विच हैज रिसीव्ड द असेंट ऑन द 9th अगस्त 2019। दिस एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एज अ स्टेट लेवल एंड नेशनल कमीशन एज एन एपेक्स बॉडी एट अ सेंट्रल लेवल। द एक्ट कवर द ऑल द कंप्लेंट विच रिलेवेंट टू द मर्केंडाइज और सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर तीन कमीशन बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे बनाई है स्टेट कमीशन, और नेशनल कमीशन के बेस पे नेशनल लेवल पे या तो सेंट्रल लेवल पे भी बोल सकते हो आप, उसको कौन सा कमीशन बनाया, नेशनल कमीशन बनाया है। चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा, खाली मैं रीड आउट कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिफरेंट बिटवीन में डिटेल में पढ़ाया है। फॉलोइंग आर द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मीनिंग तो मालूम ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिड्रेसल फोरम है उसको बोले कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट अ डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अभी इसके कंपोजिशन कौन कौन होगी, मतलब मेंबर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, वो अपने को देखना है। कंपोजिशन, ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। प्रेसिडेंट कौन होगा, आई होप तुम लोग को तो मालूम ही है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का क्वालिफाइड है, या तो वो रिटायर्ड है या तो वो बैठा है, उस वो क्या होगा, क्वालिफाइड होगा एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जज बनने के लिए। क्या, प्रेसिडेंट, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। मेंबर इसका कौन होगा, नॉट लेस देन टू और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वापस से मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन में अपन ने पढ़ लिया है। थर्ड, अभी टेन्योर, कितने साल तक मेंबर रहेंगे और प्रेसिडेंट रह सकता है। एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर, मतलब दोनों का टेन्योर यहाँ पे दिया है, प्रेसिडेंट का भी दिया है और मेंबर का भी दिया है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल होल्ड ऑफिस एज अ सच प्रेसिडेंट और अ मेंबर टिल द कंप्लीशन ऑफ द टर्म फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। द मेंबर विल बी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। आई होप इसका तो मैंने तुम लोग को डिटेल में वो भी समझाया था एग्जाम्पल के साथ, मिस्टर एक्स है डिफरेंस बिटवीन के साथ क्या लिखा है यहाँ पे, कि भाई वो या तो 5 साल तक रह सकता है जब से अपॉइंट किया है, या तो उसकी एज 65 ईयर हो जाती है तब तक, दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले आ जाएगी उसको अपनी ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। अभी क्वालिफिकेशन क्या लिखा है, तेरे को मेंबर बनना है तो तेरे पास एक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल हैव अ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पे मेंबर की क्वालिफिकेशन दिया है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन को अपन तो मालूम ही है क्या लिखा था वहाँ पे, कि भाई वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, या तो फिर वो बैठा होना चाहिए, वो सिटिंग पे होना चाहिए, या तो रिटायर होना चाहिए, वो अपन ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पढ़ा था, बट अपन को मेंबर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया था, डिफरेंस बिटवीन में मेंशन किया नहीं था। एज क्या होनी चाहिए, मेंबर शुड नॉट बी एज लेस देन 35 ईयर, तो उसके एनी टाइम होना ही चाहिए। एजुकेशन, द
दे शुड पास द बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब बीकॉम होना जरूरी है और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए वेरियस फील्ड के अंदर, जैसे कि इट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री एंड पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये तो अपन ने पढ़ा था. एरिया कवर्ड वाला एक पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन के अंदर कि भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन किसको कवर करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल को ही क्या करेगा, कवर करेगा. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज एंटायर डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज एस्टैब्लिश. और मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन तो तुम लोग को मालूम ही है कितने लाख तलक, करोड़ का तलक है, अप टू 1 करोड़. डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल हैव अ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसीडरेशन डज नॉट एक्सीडिंग द 1 करोड़. ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना बच्चे लोग, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. अभी अपील, एनी पर्सन एग्रेड बाय द ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रीफर एन अपील टू अगेंस्ट द सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज. आपको ध्यान में रखना है वापस से कि अगर सपोज कि आज मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास गया था, आज जजमेंट आया और मेरे को लग रहा है कि ये मेरे फेवर में नहीं है, तो आपको आज से 45 डेज में किसको कंप्लेंट कर देना है, स्टेट कमीशन को क्या कर देना है, कंप्लेंट रेज कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. द स्टेट कमीशन बाई नोटिफिकेशन मे मेक अ रूल्स अबाउट द क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबरशिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन. देखो तुम लोग को, मैंने तुम लोग को जज बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्रिएट कौन करता है, एस्टैब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, राइट्स है कि कोई भी प्रेसिडेंट को कभी भी निकाल सकता है, मेंबर को भी कभी भी निकाल सकता है, या तो उसके लिए कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए, वो सब चीजें कौन लाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लाएगा, क्योंकि उसको क्रिएट ही कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट की क्रिएट करता है. हावेवर एनी पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विल रिमेन ऑन द सेम पोस्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड. तो ये हो जाएगा अपना डिस्ट्रिक्ट कमीशन का थियरी पोर्शन. नेक्स्ट आएगा अपना स्टेट कमीशन, मीनिंग क्रिएट करते हैं, मीनिंग लिखा है, क्या लिखा है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट अ स्टेट लेवल एस्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज अ स्टेट कमीशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. एग्जाम में ध्यान रखना, पूछ भी सकते हैं. कंपोजिशन, ईच स्टेट कमीशन हैव अ फॉलोइंग कंपोजिशन. तुम लोग को तो मालूम ही है प्रेसिडेंट कौन होगा, अ प्रेसिडेंट हु इज सिटिंग और जज ऑफ द हाई कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन इन कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. अगर वो बंदा हाईकोर्ट के लिए जज है या तो हाईकोर्ट का जज हो चुका है, वो क्या होगा, क्वालिफाइड होगा स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए. मेंबर कौन होगा, आई होप तुम लोग को मालूम है, मिनिमम 4, नॉट लेस देन 4 और मोर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई द इन कंसल्टेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. और 10 ईयर तो तुम लोग को मालूम ही है. द मेंबर विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 67 ईयर विच एवर इज अर्ली ईयर. नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन. अभी मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है, जो अपन ने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था सेम लाइक है, सेम चीज यहाँ पे मेंशन किया है, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ पे. द मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन शेल हैव अ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. एज कितनी होनी चाहिए, तुम लोग को मालूम ही है 35 साल तो होना ही चाहिए. एजुकेशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास, और एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉ के अंदर, कॉमर्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, इंडस्ट्री एंड पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन. देखो ये वापस से रिपीटेड हो रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, वरना यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट है नहीं. ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन में पढ़ लिया है और यहाँ पे ऊपर भी पढ़ लिया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर भी. नेक्स्ट आता है अपना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. आई होप तुम लोग को मालूम है स्टेट लेवल का कवर, जो स्टेट लेवल पे होगा वो सब यहाँ पे क्या होगा, एरिया कवर होगा. इट कैन एंटरटेन अ ओरिजिनल केस एज वेल एज द अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विच आर विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द स्टेट. भाई यहाँ पे कौन से केस लड़े जाएंगे, ओरिजिनल भी केस आ सकता है, या तो कोई बंदा जो मिस्टर एक्स था, डिससेटिस्फाइड था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से, वो अगर स्टेट लेवल पे आता है फाइल करके कंप्लेंट, तो वो भी आ सकता है, यहाँ पे केस लड़ सकता है. और मॉनेटरी वैल्यू तो तुम लोग को मालूम है 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीडिंग द 10 करोड़. और अपील,
एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर मेड बाय द स्टेट कमीशन मे प्रिफर एन अपील अगेंस्ट द सच ऑर्डर टू द नेशनल कमीशन। अगर सपोज कि इधर आके भी स्टेट कमीशन पे भी आके भी सेटिस्फाई नहीं है तो किसको कंप्लेंट करेगा? नेशनल कमीशन को, मतलब नेक्स्ट वाले को, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। खाली यहाँ पे डेज याद रखना, वहाँ पे 45 डेज था, यहाँ पे कितने टाइम का टाइम दिया आपको? 30 डेज दिया है। From the date of the order in such form and manner as may be, पूरा पैराग्राफ सेम है, खाली आपको नेशनल कमीशन के पास जाना है, पर कितने दिन में जाना है? 30 डेज में जाना है। वहां पे कितने दिन में था? 45 डेज में था। The central government by notification may make a rules about the qualifications, method of recruitment, term of office, resignations and removal of president and member of the state commission. However, any person already appointed as a president or a member of state commission immediately before the commencement of this act will remain on the same post till the completion of his tenure for which he has been appointed। मतलब क्या लिखा है कि अगर ये एक्ट आने से पहले अगर वो पोजीशन होल्ड कर रहा था तो पोजीशन होल्ड करेगा तब तक, उसका टेन्योर खत्म नहीं हो जाता है तब तक। गेटिंग माई पॉइंट? और ये पैराग्राफ भी सेम है कि यहाँ इसको स्टेट कमीशन को क्रिएट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने चाहे तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकता है प्रेसिडेंट के लिए या तो उसके मेंबर्स के लिए, वो जब भी चाहे प्रेसिडेंट को निकाल सकता है, मेंबर्स को भी निकाल सकता है, ठीक है। और लास्ट है नेशनल कमीशन। आई होप तुम लोग को सब समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में बॉक्स में डाल देना, सर ये समझ में नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मेरा नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा तभी ट्राई करूंगा 100% आपकी वो जो भी प्रॉब्लम्स है मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। क्योंकि इसमें आपको अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है नेशनल कमीशन। मीनिंग तो मालूम ही है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम एट अ नेशनल लेवल एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज अ नेशनल कमीशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन। वहां पे स्टेट था, यहाँ पे आ गया नेशनल। कंपोजिशन प्रेसिडेंट तो मालूम ही है, अ प्रेसिडेंट हु इज और हैज बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या तो वो अभी बेटा है सुप्रीम कोर्ट के जज पे या तो वो बेटा था रिटायर हो गया है, तो वो कॉल बन सकता है प्रेसिडेंट किसके अंदर? नेशनल कमीशन के अंदर बन सकता है। शेल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन इन कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेंबर तो तुम लोग को मालूम है नॉट लेस देन 4 और सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और टेन्योर कितना लिखा है? अ मेंबर विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज एज मे बी प्रिस्क्राइब विच एवर इज अर्ली ईयर, ठीक है। मतलब ये तो अपन ने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था कि मेंबर के लिए 67 ही था बट प्रेसिडेंट के लिए कितना साल था? 70 ईयर था, जो डिफरेंस बिटवीन में था, इसलिए इन लोग ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। क्वालिफिकेशन सेम है मेंबर की क्वालिफिकेशन, जो अपन ने डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ा, स्टेट में भी पढ़ा और अभी नेशनल में भी पढ़ रहे हैं। द मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन शेल हैव अ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। एज तो तुम लोग को मालूम ही है 35 ईयर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स लॉ कॉमर्स अकाउंटेंसी इंडस्ट्री पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब वही केस लड़ा जाएगा जो ओरिजिनल केस हो गए, या तो वो बंदा मिस्टर एक्स स्टेट कमीशन से डिससेटिस्फाई था, वो किधर क्या रहेगा? नेशनल कमीशन के पास। वो भी केस क्या करेगा? नेशनल कमीशन हैंडल करेगा। इट कैन एंटर द ओरिजिनल केसेस एज वेल एज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन विच आर विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द स्टेट। मॉनिटरी तुम लोग को मालूम है 10 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो ही यहाँ पे केस लड़े जाएंगे। और अपील एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन मे प्रीफर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। मतलब यहाँ पे भी कितना टाइम दिया है? 30 डेज का टाइम दिया है आपको। 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आपको क्या कर देना है? कंप्लेंट फाइल कर देना है अगर आप डिससेटिस्फाई हो किससे? नेशनल कमीशन से। The central government may by notification make a rules about the qualification, appointment of office, salary, resignation, removal of the president and member of the national commission. या central government चाहे तो अपने president, अपने member के लिए नए नए rules लेके आए, salary decide करेगा, कभी उसको निकालना है, कभी resignation दिलाना है उसको, ये सब चीज़ें कौन decide करेगा? central government decide करेगी, किधर? national commission के अंदर। However, the president and member shall have a hold office for a maximum of 5 years। यहाँ पे इन लोग ने दी है but are eligible for reappointment।
द फर्दर प्रोवाइडेड डेट प्रेसिडेंट कैन वर्क आउट ऑफ द एज ऑफ द 70 ईयर एंड मेंबर कैन वर्क आउट एट द 67 ईयर. मतलब यहाँ पे उन लोग ने यहाँ पे नहीं दिया था टेन्योर के अंदर, बट यहाँ पे उन लोग ने क्या कर, यहाँ पे नहीं दिया था बट ये लोग ने यहाँ पे कवर किया, लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्या कर दिया, कवर कर दिया है. चलो एक है पेनल्टी प्रोविजन दिया है फॉर द नॉन कम्प्लाइंस ऑफ द ऑर्डर, कि आप अगर किसका भी ऑर्डर सुनते नहीं हो तो गवर्नमेंट ने पेनल्टी भी डाला. इफ द एनी पार्टी फेल टू कम्प्लाई विद एनी ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन या तो स्टेट कमीशन या तो नेशनल कमीशन, इट शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट. मतलब इम्प्रिजमेंट मतलब खाना पीना फ्री किसके अंदर मिलता है, जेल के अंदर. इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है जेल. फॉर द टर्म ऑफ द लेस नॉट लेस देन वन ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द थ्री ईयर और विद द फाइन विच शैल नॉट होल्ड सॉरी विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू द 1,00,000 और विद द बोथ. मतलब इन लोग ने बोला है कि अगर तूने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात नहीं सुना या तो फिर स्टेट का बात नहीं सुना या तो नेशनल कमीशन का बात नहीं सुना तो देखो जेल हो जाएगी. मिनिमम इन लोग ने जेल लिखा है 1 month बट 3 साल तक की भी हो सकती है और फाइन 25,000 से 1,00,000 तक की भी हो सकती है. ठीक है, आई होप तुम लोग को क्लियर है. कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना. ये हो गया अपना नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन की शॉर्ट नोट फॉर्म में भी लोग एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि भाई डायरेक्ट लिख पूछ लेंगे व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, व्हाट इज द स्टेट कमीशन एंड व्हाट इज द नेशनल कमीशन. चलो ठीक है, अभी लास्ट पार्ट अपन सॉरी लास्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं ये पार्ट का. यहाँ पे अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा. यस चलो लास्ट है रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड NGO. क्या क्या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और NGO हेल्प करते हैं कंज्यूमर को उसके राइट्स दिलाने के अंदर. अपन पढ़ते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO बोलते हैं उसको शॉर्ट में, और आप बोल सकते हो आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज एम एट अ प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल. द मेन एम ऑफ दिस NGO इज टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ प्राइस इन द मार्केट एंड पब्लिश देम फॉर अ इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर एंड अगेंस्ट The माल प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड. रोल पढ़ते हैं क्या रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और NGO का इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन के अंदर. पहला है टू ऑर्गेनाइज अ कैंपेन एंड वेरियस प्रोग्राम ऑन द कंज्यूमर इश्यू, इट क्रिएट अ सोशल अवेयरनेस. ऑफकोर्स अपन देखते हैं बड़ी बड़ी NGO एक स्पेशली बड़ी बड़ी प्लेस पे जहाँ पे बहुत पब्लिक इकट्ठा होती है, मॉल्स हो गए या तो फिर मार्केट्स हो गई, वहाँ पे जाके आपको क्या करते हैं अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम्स क्या करते हैं उन लोग डेडिकेट करते हैं अपने कस्टमर के लिए. सेकंड हो गया टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कंज्यूमर एंड मेक देम अ कॉशियस ऑफ देयर राइट एंड मोड ऑफ रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेज. वहाँ पे आपको बताते हैं कि आपके राइट्स क्या है, अगर आपके कोई कंप्लेंट्स है तो आप कहाँ पे अपनी कंप्लेंट आवाज रेज कर सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ और किसके थ्रू जा सकते हो आप. कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट है वहाँ आपको कंप्लेंट फाइल करना है और क्या क्या नेक्स्ट प्रोसीजर है वो सब चीज़ें कौन बताते हैं, NGO बताते हैं. थर्ड टू पब्लिश अ पीरियडिकल टू एलिग्नेट द कंज्यूमर अबाउट अ वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट. फोर्थ टू प्रोवाइड अ फ्री लीगल एडवाइस टू द मेंबर ऑन द मैटर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड हेल्प देम टू टेक अप ग्रीवेंसेस. अगर कोई कस्टमर के पास पैसा नहीं है, लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो एक NGO अपने बिहाफ मतलब अपने सामने से अपने को क्या करता है, एक लॉयर प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको बहुत मिनिमल अमाउंट का क्या करना है, फीस देना है या तो फीस नहीं भी देना है. टू इंटरेक्ट विद द बिजनेसमैन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर एंश्योरिंग अ बेटर डील फॉर अ कस्टमर. टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन अ इम्पोर्टेंट कंज्यूमर इश्यू सच एज अ बैन ऑन अ प्रोडक्ट इंजरीज टू द पब्लिक हेल्थ. अपन देखा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसा आए थे कि सडनली ऐसा लग रहा है कि भाई कंज्यूमर को इसके इफेक्ट्स हो रहे, तो बड़ी बड़ी NGO ने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया और उन लोगों को बोल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट क्या कर दो, बैन कर दो. ठीक है, तो फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ NGO, कौन सी NGO है, उन लोग का नाम दिया इन लोग ने, खाली नाम याद रखना है तो रखना वरना चलेगा. कंज्यूमर गाइडलाइन सोसाइटी ऑफ इंडिया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबई, ग्राहक पंचायत और ग्राहक शक्ति. तो दीज आर द नथिंग बट NGO के क्या दिया इन लोग ने, नाम दिए हैं. तो यहाँ पे मेरा थर्ड पार्ट ऑफ 7 chapters कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओवर होता है. तो प्लीज़ गाइज अगर आपने अब तक पहले वाले पार्ट्स भी मेरे रिवाइज नहीं किए तो वो भी रिवाइज कर सकते हो, और ऑलरेडी अपना 7 chapters भी ख़त्म हो गया है. अभी खाली पेंडिंग है मेरा 1 chapter OC 12 का जो है मेरा 8.
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग ने चेंज एक ही चैप्टर्स का किया है जो इंट्रोड्यूस करके लाया है मार्केटिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं उसका वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तो टिल टाइम प्लीज हमारे अब चैनल को क्या कर रहे हैं, अपडेट रहते रहिए। थैंक यू सो मच।